लिया हूँ और सारा सामान ले लिया है। चल कितना इंतजाम करना पड़ता, पत्थर से तोड़ के लाए अभी कैसे बनाया जाता है समझा। तो हलवा बन गया है लेकिन चलेगा। ये जो हमारा चीज़ है ना बहुत ही टेस्टी बना है, टमाटो का सब्जी। हर 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 महादेव। चलिए आज का खाना खाते हैं। ये है कुछ खाना। सेविंग करने के लिए देखिए कितना नेचुरल जगह पे आए हैं, यहाँ पे सेविंग वगैरह भी कर लेंगे। और यही होता है हमारा एडवेंचर लाइफ। ओहो, नर्मदा नदी में। अभी मेरे पास ऐनक वैनक नहीं है, सिर्फ सेविंग मशीन है, तो इसी से सेविंग कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज मेरा हो चुका है लगभग 176 दिन। लगभग इसलिए बोल रहा क्योंकि इतना दिन से यार निकला हुआ हूँ कि दिन भी सही से याद नहीं रहता, और हो ही गया है 176 दिन। यहाँ पे भी सेविंग वेविंग करते हैं। और नर्मदा बोल रहा हूँ ये मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से आ रही है, और केदारनाथ से हम उतर रहे हैं और यहीं पे नहाएंगे। देख सकते हैं ये कुछ नदी है, चलेंगे बीच में और बढ़िया से मज़ा लेके स्नान करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि यही हमारा एडवेंचर लाइफ। जो मेरा रियल लाइफ है वही मैं दिखा रहा हूँ और सब कुछ दिखाता ही रहता हूँ। तो यहाँ मंदाकिनी नदी में स्नान करने चल रहे हैं। सेविंग वेविंग शायद सही से हो गया होगा, यही एडवेंचर होता है, क्या कर सकते हैं। और दोस्तों मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि मैंने एक रील डाला है इंस्टाग्राम पे, वो बात रियल है। देखिए मेरा साइकिल में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था, आप भी देख रहे हैं कि दो दिन से यहीं पर हैं क्योंकि प्रॉब्लम आ गया यार। कुछ पैसे वैसे भी ख़त्म हो गए थे और साइकिल में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मंदिर में रुके हुए हैं और यहाँ पे नहा रहे हैं। तो चलिए, प्रॉब्लम तो लाइफ में आते रहता है क्योंकि इस तरह का लाइफ जीने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन इन्जॉयमेंट और चेहरे का स्माइल कभी कम नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नदी में और मज़े से स्नान करते हैं और आज के दिन को मज़ेदार बनाते हैं। ओहो, हर हर महादेव। ठीक पानी है, ये आनंद शायद ही कोई ले पाए। हर महादेव। शंभो आ गया मैं।
जलेल नहाते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं, नहा धोवा करके रेडी हो चुके हैं। अब लगा है भूख, अभी समय हो चुका है 3:30, लेकिन अभी तक कुछ खाना नहीं खाए हैं। तो एक मंदिर है, तो मंदिर में बाबा से चावल वगैरह मांग लेते हैं। और यहाँ पे चूल्हा है, तो खाना बना लेंगे, भात वगैरह खा लेंगे। उससे पहले मार्केट भी चलना पड़ेगा, कुछ पैसा मेरे पास अभी बचा है, तो चावल तो ऐसे खा नहीं सकते, कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो चलते हैं वहाँ पे और मार्केट में देखते हैं, कुछ सब्ज़ी मिल जाए तो वो भी ले लेंगे और खाना बना के खाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे ये देखिए टेंट लगाया था हमने, ये है टेंट मेरा और ये एक टेंट है, और उधर दो महानुभाव पड़े हुए हैं कपड़ा खोल करके। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। बाबा से थोड़ा चावल मांग लिया हूँ और चावल ले करके पकाएंगे। चलते हैं अब सब्जी लाने, इसको पहले रख के आते हैं। यार क्या क्या करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, सब उसी को करना पड़ता है। चलो चलते हैं। और इधर से रास्ता, रास्ता किधर से है? बहुत ऊपर है, हाईवे बहुत ऊपर है और मंदिर बहुत नीचे है। यहाँ पे एक सब्जी के दुकान में आ गए हैं और यहाँ पे सब्जी ऐसे तो अलग अलग मिलता है, लेकिन हमको भैया बोले कि मिला करके दे देंगे। तो कुछ कुछ चीज़ लेना है, यहाँ पे प्याज व चाहे टमाटर वाटर ले लेते हैं। चलिए इतना ठीक है। सारा सामान ले लिया है, चलते हैं अब खाना बनवाने। मैंने खरीद दिया है, बाकी वो सब बनाएगा, क्योंकि मुझे बनाना सही से नहीं आता। थोड़ा पतला पतला होगा, चौका चौका होगा नहीं यार। कितना इंतजाम करना पड़ता, पत्थर से तोड़ के लाए अभी। सब लकड़ी का पेड़ से तोड़ के लाता है, पत्थर से तोड़। इसको इस तरह से बनाया जाता है, समझा? देखो ये है बैंगन का भुजिया, घी में एक नंबर बैंगन का भुजिया। तो यही हम बना रहे हैं अभी, और चावल बन चुका है हमारा। यहाँ पे हमारे नागेश्वर भाई है, यहाँ पे हमारा भुंजिया बैंगन का और शिमला मिर्च का तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा चावल, चावल बन के तो हलवा बन गया है, लेकिन चलेगा। ये जो हमारा चीज़ है ना, बहुत ही टेस्टी बना है। और यहाँ पे टेस्टी चीज़ बन रहा है, टमाटो का सब्जी, चटनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ है मिस्टर नागेश्वर कुमार, जो कि बहुत कुछ जानते हैं बनाने के लिए। टमाटर का हमारा ग्रेवी जी है तैयार हो चुका है, थोड़ा सा और सीझेगा, तो इसको सीझने देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों खाना हमारा बहुत ही मेहनत के बाद तैयार हुआ है, सबसे ज़्यादा योगदान मिस्टर नागेश्वर कुमार का है। तो एक बार हर हर महादेव। चलिए आज का खाना खाते हैं, ये है कुछ खाना। मेहनत करके खाने का मजा ही कुछ आया। कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन। तो
तो दोस्तों फाइनली ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। खाना वाना खा करके इतना थक गए थे एडवेंचर और सब कुछ करते करते कि टेंट पे आ करके सो ही गए हैं। तो खर्चा का कुछ पता नहीं कितना हुआ, और डिस्टेंस का केदारनाथ से नीचे आए हैं हम लोग। केदारनाथ से एक मंदिर में रुके थे, उस मंदिर से फिर नीचे आए हैं घाटी को पार करके, तो यहाँ पे रुके हुए हैं। कल सवेरे हम लोग अपना जो यात्रा है वो बद्रीनाथ के लिए शुरू करेंगे, और ये जो छोटा लड़का है वो अपना घर जा रहा है ट्रेन से, उससे नहीं हो पाएगा, वो आ गया था। नागेश्वर चलेगा भी साथ में, तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो यही था आज का कुछ स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और दिन आज का बहुत अच्छा रहा, कुछ गड़बड़ हो गया है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बाय।